हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सब अग्री करेंगे कि आधार इनरोलमेंट का जो काम है, यानी नया आधार कार्ड बनाने का जो काम है, इसको लेकर के सारे वीएलई काफी उत्सुक हैं और सभी वीएलई इस पे काम भी करना चाहते हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सही और गलत हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। अब कल एक पोस्ट डाला था त्यागी सर ने आधार इनरोलमेंट को लेकर के, और इस पोस्ट को काफी गलत तरीके से इंटरप्रेट करके काफी गलत इंफॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में। तो मैं आपको सही इंफॉर्मेशन भी दूंगी, साथ ही साथ कुछ दूसरे बड़े न्यूज़ है सीएससी के बारे में, वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगी। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि पोस्ट था क्या आखिर, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वी टेक प्राइड इन सर्विंग कॉमन मैन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू सीएससी एएसके हैदराबाद फॉर 25,000 माइलस्टोन अचीवमेंट। और ये राजा जी हैं जो कि जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना है वहाँ पे ये हेड करते हैं सीएससी को। और यहाँ बताया गया कि एवरी कॉमन मैन इज अ वीआईपी फॉर अस 25,000 आधार इनरोलमेंट्स। तो यहाँ आधार इनरोलमेंट की बात की जा रही है, यानी कि सीएससी अपने अंतर्गत ही कुछ ना कुछ केंद्र, आधार का केंद्र चला रहा है, जिसके तहत ये जो सारे आधार सेवा केंद्र हैं वहां पे नए आधार इनरोलमेंट का भी काम चल रहा है। ये काम अभी वीएलई को नहीं दिया गया है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में आधार इनरोलमेंट का काम सीएससी वीएलई को मिले, लेकिन फिलहाल ये खुद अपने अंतर्गत रख के सीएससी काम करा रही है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बताया गया है कि 25,000 लोगों का आधार इनरोलमेंट हुआ है सीएससी के अंदर। और यहाँ पे सीएससी जो अब खुद की ऑफिस में आधार इनरोलमेंट कराती है उसकी यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ ये कतई नहीं बताया गया है कि नए 25,000 आधार इनरोलमेंट सेंटर खोले जाएंगे हैदराबाद में या फिर खुलने वाले हैं। तो आपको जो लोग भी इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उससे थोड़ा सा आप सतर्क रहें। और दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आपने ये पोस्ट देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीएससी अब काफी ज्यादा लोगों के ऊपर नजर रखने वाली है और लोगों को इसके बारे में बताने वाली है कि किस तरह से फ्रॉड हो रहा है सीएससी के नाम पे, खास करके बैंक बीसी, सीएससी आईडी और आधार यूसीएल के नाम पे। यहाँ पे आप देखिए, सर ने खुद क्लियर किया है कि काफी सारे यहाँ पे लिस्ट हैं और यहाँ पे वेबसाइट के नाम और फोन नंबर वगैरह दिए हुए हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि सीएससी आईडी एक्टिवेशन के नाम पे, दूसरी सर्विसेज एक्टिवेशन के नाम पे पैसे मांगना, बीसी पॉइंट ऑफर करना और बीसी पॉइंट एक्टिवेट करना कराने के नाम पे पैसे मांगना, ये सारे कारणों की वजह से पैसे मांगे जा रहे हैं। और सीएससी ये तकरीबन लास्ट 1-1.5 महीने से कंटिन्यूसली वॉर्न भी कर रही थी वीएलई भाइयों को कि आप किसी को भी पैसे ना दे, क्योंकि सीएससी पैसे नहीं लेता है किसी भी तरह के आईडी एक्टिवेशन के लिए या किसी और चीज के लिए। और इसी को अब मद्देनजर रखते हुए खुद सीएससी ने आगे बढ़ के केस फाइल कर दी है। तो ये केस जो फाइल की है वो पुलिस में केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर हुआ है। और यहाँ पे ये चीज भी ध्यान में रखी गई है कि हमारे साथ, यानी हम लोग जो सीएससी से जुड़े हुए हैं उनके साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। इससे फायदा ये होगा कि अवेयरनेस बढ़ेगा और साथ ही साथ जब हमारे साथ इस तरह की कुछ गलत चीज होगी, हम खुद भी सामने आ करके एफआईआर भी करेंगे और साथ ही साथ ट्विटर पे या फिर दूसरे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे मैं आप हम लोग सब जा करके इसके खिलाफ केस भी करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग बताएंगे कि ऐसा है कि खुद डीएम जो है, खुद सीएससी के जो हेड होते हैं, वो लोग भी कभी कभार कुछ इस तरह की मांग करते हैं जो जायज नहीं होती है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आप फेस करते हैं तो आप डरे नहीं,
आप ट्विटर पे आकर के इस चीज को सामने रखें, या फिर अगर आपके पास प्रूफ है, पक्के तरीके से आप किसी तरह से अपनी बातों को प्रूफ कर सकते हैं, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी से सारे प्रूफ मेल कर सकते हैं सीएससी को, और इससे भी फायदा काफी हो जाएगा आपको, और धीरे धीरे करप्शन भी सीएससी के नाम पे जो हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल थी जो मैं आपको देना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।